हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। एंड आपके सामने आज मैं लेकर के आई हूँ वी लुकअप। वी लुकअप का यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर प्रोफेशनल हैं, वर्किंग है कहीं पर, या फिर आप स्टूडेंट हैं, लर्निंग फेज पर हैं, तो आपके लिए ये फार्मूला बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। बिकॉज ये वी लुकअप के फार्मूले से आप बहुत सारी चीज़ें, आपका जो बिग डेटा होगा आपका ई एक्सेल का, और जो कि आपको लगेगा कि कैसे डिटेल्स को निकालूँ, कैसे स्पेसिफाई करूँ, कैसे एक एक डेटा को देखूँ, तो ये वी लुकअप वैल्यू आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है, राइट? तो यहाँ पर देखेंगे कि मैंने एक सेल बनाया है। यहाँ पर सेल में आप देख रहे होंगे मैंने कुछ नाम डाले हुए हैं। मैंने एक छोटा सा डेटा बनाया है यहाँ पर। मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, हायर, डेट सेलेक्ट मैंशन किया है। उसके नीचे उनके नेम्स, एम्प्लॉयज़ के नेम, उनके लास्ट नेम, उनके डिपार्टमेंट, सिटी एंड किस डेट को वो हायर हुए वो मैंने चूज़ किया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि वैल्यू में देख रहे होंगे कि अमृता का अमृता कहाँ पर है, किस सिटी में है, तो आप जान सकते हैं अमृता गुड़गांव में है। अगर आपको, अगर मैं फार्मूला में चेंजेस कर दूं, अगर मैं फोर्थ की जगह पे थ्री वैल्यू डाल दूं यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको अमृता का डिपार्टमेंट पता चल जाएगा कि कौन से डिपार्टमेंट में है अमृता, मार्केटिंग में है। वेयर एज अगर मैं यहाँ पे थ्री को टू कर दूँ तो आपको पता चल जाएगा कि अमृता की का सरनेम क्या है, वो अमृता सिंह है, राइट? तो इस, चलिए मैंने पहले मैं अब क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ से इसको डिलीट करती हूँ और फिर वन बाय वन बताऊँगी एक 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 जो वैल्यू यहाँ पे डाली है उसका मतलब क्या है। सबसे पहले आपको अगर किसी भी डेटा में से पर्टिकुलर किसी भी पर्सन का एक छोटा सा हिस्सा निकालना है, फॉर एग्जाम्पल उसका हायर डेट निकालना है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अमृता की, तो अमृता के बारे में ही बात करते हैं फिलहाल, ठीक है? यहाँ पर मैंने वी लुकअप इज इक्वल टू वी लुकअप प्रेस किया, वी लुकअप टाइप किया, इन ब्रैकेट कौन सी वैल्यू चाहिए आपको अमृता के बारे में जानना है, तो आपने A9 में ये है, A9 यहाँ पे टाइप कर सकते हैं या फिर चूज़ कर सकते हैं, वो सेल आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिख करके आ जाएगा। और इसके बात करेंगे कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है? तो आपका A3 से आपका E7 तक की वैल्यू के बारे में आपको जानना है, जिसमें से आपको कुछ भी निकालना चाहें आप कुछ भी निकाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है? तो अमृता का कौन से टेबल की वैल्यू आपको चाहिए, आप ऊपर से देखेंगे A B C D E, तो क्योंकि ये वी लुकअप है वर्टिकली यहाँ पे काउंट होगा, तो अगर आपको सेल टू की वैल्यू चाहिए आपको, तो यहाँ पे अगर आप टू प्रेस करते हैं एंड देन आप कॉमा करके जीरो प्रेस करते हैं, जीरो कुछ नहीं होता है, जीरो सिर्फ रेंज वैल्यू को दर्शाता है, तो जीरो यहाँ पे डालेंगे, ऐसे ही देखेंगे आपका यहाँ पे अमृता सिंह बन के आ गया, ठीक है? अभी आपको अमृता का सरनेम पता चल गया, आप चाहते हैं कि अमृता का हायर डेट आपको जानना है, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 फिफ्थ टेबल में आपको अमृता का डिपार्टमेंट पता चलेगा। तो अगर आपने यहाँ पे 5 प्रेस किया आपको पता चल जाएगा कि अमृता कौन सी डेट को हायर हुई थी, अमृता 1/5/2013 में हायर हुई थी पर्टिकुलर किसी कंपनी में, राइट? या फिर किसी भी तरह के डेटा पे आप काम कर सकते हैं जिसको आप वी लुकअप के फॉर्मूले के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको आकाश का जानना है तो आप यहाँ पे आकाश टाइप करेंगे, आकाश का डिपार्टमेंट पता चल जाएगा। अगर आपको दीप्ति का चाहिए तो दीप्ति का पता चल जाएगा। तो यहाँ से आप वैल्यू इस तरह से चेंज कर सकते हैं, राइट? ओके, देखिए दीप्ति दिल्ली से है, देखिए दीप्ति का ये दिल्ली से है, दिल्ली यहाँ पे निकल के आ गया, राइट? दीप्ति का अगर आपको जानना है कि वो डिपार्टमेंट क्या है, तो 3 में है ये डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस में है दीप्ति, आपको पता चल गया। इस तरह से वी लुकअप का यूज़ होता है। और इस फॉर्मूले से आपने देखा कितनी आसानी से हमें एक एक पर्टिकुलर डेटा का पता चल गया, और हमें हमारे डेटा में हॉचपॉच होने की जगह, कन्फ्यूज होने की जगह पे हमने इस चीज़ को कैसे ईजिली और बहुत ही प्यार से और बहुत ही शांति से कैसे इसको सॉल्व कर लिया। आई होप ये वीडियो आपको बहुत समझ में आया होगा एंड इवन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये वी लुकअप वैल्यू आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, काम में, रूटीन वर्क में बहुत ही हेल्प करने वाला है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए हों एंड पसंद आते होंगे, क्योंकि मैंने ऐसे ही कई सारे वीडियोस बनाए हैं ई एक्सेल पर, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने फार्मूलाज पे बनाया है, फंक्शंस पे बनाए हैं वीडियोस, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर।